हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के वीडियो में मैं आपको इग्नू के नए नोटिफिकेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। सो बिना स्किप किए ये वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे नया नोटिस कल जारी किया गया है, जो कि अपील बाय द वाइस चांसलर ऑन भारत पढ़े ऑनलाइन। आज सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण सभी कॉलेजेस स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, तो सभी कोर्सेज ऑनलाइन पढ़ाई अवेलेबल करा रही हैं। अपील बाय द वाइस चांसलर ऑन भारत पढ़े ऑनलाइन, ये न्यूज़ कल का है। देखते हैं इसमें क्या डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो मेरे पास ये पहले से डाउनलोडेड था, तो मैं डायरेक्ट इसे ओपन करती हूँ। ये एक नोटिस है जो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। डियर कॉलीग्स एंड लर्नर्स, एज यू आर अवेयर, द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हैज़ टेकन सेवरल मेजर्स टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द स्टडी प्रोग्राम्स ऑफ द लर्नर्स इनरोल्ड विद इट फ्रॉम देयर होम्स विदाउट एनी इंटरप्शंस बाय अडॉप्टिंग ऑनलाइन डिजिटल एंड मल्टी मीडिया मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। In addition to printed self-instructional material, the universities has been providing the digitalized learning material on its dedicated web portal, eGyan Course. Live IVR sessions through Gyanvani and regular broadcast on academic contents through Gyan Darshan, Gyan Dhara, Swayamprabha channels, housed in state of the art electronic media production center and center for online education of the university. The honorable minister of human resource development Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji has initiated a campaign Bharat Padhe Online, inviting suggestions and sharing of ideas from the academic fraternity including students and teachers to boost e-learning and intensifying online education in India. The ideas and suggestions can be given in two ways. One, by logging on the Twitter using Twitter handle Bharat Padhe Online and tagging at HRD Ministry and Dr. R.P. Nishank, and second, by sending through email at bharatpadheonline.mhrd@gmail.com. The last date for submitting suggestions Oblique ideas is 16th April 2020. All the teachers, academics and other staff members of the universities, more than 60,000 academic counselors and 30 lakh learners of the university spread across 56 regional centers and more than 1800 learner support centers across the country are requested to provide their valuable inputs on Twitter or via email as per detail provided above. With best wishes for your good health. जय हिंद। तो ये नोटिस जारी किया गया है इग्नू के तरफ से। इसमें इग्नू बहुत सारे सेवरल स्टडी मेजर्स स्टडी प्रोग्राम कंडक्ट करा रहा है ताकि किसी भी बच्चे का पढ़ाई ना छूटे। सभी ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में मल्टीमीडिया मेथड्स अप्लाई किया गया है ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू किया जा सके। ज्ञान कोर्स है, लाइव IVR सेशंस कंडक्ट किए जा रहे डिजिटल लर्निंग मटेरियल के फॉर्म में, ताकि आप लोग का स्टडी ना रुके, वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहे। बहुत सारे चैनल्स पर रेगुलर ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, जैसे ध्यान दर्शन, ज्ञान धारा, स्वयं प्रभा, वो सारे एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर्स है या सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ये सारे होते हैं डायरेक्ट टेलीकास्ट, ताकि आप अपना पढ़ाई ऑनलाइन कर सकें। तो जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक जी हैं, उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया है भारत पढ़े ऑनलाइन, जिसमें कि आप अपने सजेशंस को या कोई आइडिया है, जैसे कोई स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, इस ई लर्निंग को बूस्ट करने के लिए, इंटेंसिफाइंग ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन, ये सब को कुछ अगर आपके पास आइडिया है तो वो आप आइडिया वो लोग तक पहुंचा सकते हैं, या तो ट्विटर
के जरिए, जिसका हैंडल है #भारत पढ़े ऑनलाइन, या तो फिर आप उनको ईमेल में भी भेज सकते हैं। पर लास्ट डेट 16th है, यानी कि परसों परसों तक का टाइम है। आप इजीली अपने कुछ सजेशंस हो, आइडियाज़ हो, वो भेज सकते हैं। अगर आपको आज का सेशन यूज़फुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।